हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट है। गाइस, आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स भी होती है जिनको आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाते, जिन्हें आप एडवांस सेटिंग भी बोल सकते हैं। और उन्हें एक्सेस करने के कुछ ऐसे हिडन फीचर्स भी जो आपके विंडोज में पाए जाते हैं। यहां पर मैंने आपको एक वीडियो में पहले बताया था गॉड मोड के बारे में, जो कि विंडोज 10 में आपको ऑपरेट करके बताया था। यहां पे विंडोज 11 में गॉड मोड आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जी हां दोस्तों, गॉड मोड एक ऐसा फीचर है आपके सिस्टम का, आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसकी मदद से आप एडवांस सेटिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉड मोड। अब इस गॉड मोड को क्रिएट कैसे करेंगे, ये बहुत ही स्पेशल टास्क है। इसमें आपको क्या करना होता है, आप कहीं पर भी अपने सिस्टम में कहीं पर भी आप एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर क्रिएट किया। ये जो प्रोसेस है मैं आपको विंडोज 11 में बता रहा हूँ, इससे पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा, अब वो देख सकते हैं। हालांकि प्रोसेस सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम है। ठीक है, आपको एक न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, जिसका नाम भी न्यू फोल्डर ही होगा। अब आपको क्या करना है, इसको रीनेम करना है। आप किसी फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं, या तो आप इस फोल्डर पे क्लिक करके F2 दबा दीजिए तो अब रीनेम का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके आप यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में जाके आप इसको रीनेम कर दीजिए, तब आपके पास रीनेम आ जाएगा। अब आपको इसको रीनेम कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक CLSID दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि क्लास आईडी है, जो कि एक तरीके का सीरियल नंबर होता है जो एक यूनिक आईडी को रिप्रेजेंट करता है। आप भी किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़े होंगे, आपका कहीं ना कहीं किसी स्कूल कॉलेज या फिर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एक रोल नंबर अलॉट किया जाता है, जिससे आपकी पूरी कुंडली निकाल ली जाती है। ठीक है, हाँ ठीक है, क्या नेम है इस पर्सन का, क्या फादर्स नेम है, कौन से स्कूल से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरीके से आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी टास्क हैं उनकी एक CLSID होती है, यानी कि एक यूनिक आईडी होती है जिनसे उनको फैच किया जाता है। हर एक टास्क की एक यूनिक आईडी है और उस यूनिक आईडी से उस टास्क को ऑपरेट किया जाता है। उस टास्क को नाम सिर्फ इसलिए दिया गया है जिससे कि आप उस टास्क को पहचान सकें। जैसे सपोज कंट्रोल पैनल है तो उसकी अपनी एक CLSID है, लेकिन आप उसको नाम से पहचान सकें इसलिए उसको कंट्रोल पैनल दिया गया है। तो सारा जितना भी टास्क वर्क कर रहा है आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये यूनिक आईडी की हेल्प से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे एक यूनिक आईडी नोटपैड में मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से यूनिक आईडी लिखी रहेगी। हर टास्क की अपनी एक यूनिक आईडी होती है, माइक्रोसॉफ्ट ने सभी यूनिक आईडी आपको प्रोवाइड कर रखी है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको हर एक सिंगल की यूनिक आईडी के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, इस यूनिक आईडी के जस्ट आगे यहां पे लिख देना है गॉड मोड। ठीक है, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं सेम वैसे ही, देन उसके बाद एक डॉट लगाना है। ठीक है, गॉड मोड डॉट, देन उसके बाद ये पूरी यूनिक आईडी। अब आपको इस पूरी यूनिक आईडी को विद गॉड मोड डॉट के साथ ही आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपना फोल्डर रीनेम करना है। मैं इस तरीके से रीनेम करता हूं और यहां पे इस न्यू फोल्डर को हटा के यहां पे ये नेम पेस्ट कर देना जो आपने भी कॉपी किया, गॉड मोड डॉट और ये आपकी CLSID। ठीक है, देन जस्ट आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो नाम है वो चला गया और यहाँ पे एक बिना नेम का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया और यही आपकी गॉड मोड सेटिंग यहाँ पे क्रिएट हो गई। जब आप इस पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको कैटेगराइज्ड व्यू में कुछ एडवांस सेटिंग नजर आएगी। आप देख सकते हैं ऑटो प्ले से रिलेटेड यहाँ पे सेटिंग आपको नजर आ रही है, बैकअप एंड रीस्टोर से रिलेटेड आपको सेटिंग यहाँ पे नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कैटेगराइज यहाँ पे किया हुआ है, जो कि आपके लिए आसान रहेगा किसी भी सेटिंग को एक्सेस करना। देन यहाँ पे बिटलॉकर ड्राइव एनक्रिप्शन की सेटिंग यहाँ पे नजर आ रही है, कलर मैनेजमेंट सेटिंग नजर आ रही है, क्रेडेंशियल मैनेजर, डेट एंड टाइम, ठीक है, डिवाइस एंड प्रिंटर, ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, देन और नीचे चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, फॉन्ट्स की सेटिंग, फाइल हिस्ट्री की सेटिंग, इंटरनेट ऑप्शन की सेटिंग, इंडेक्सिंग ऑप्शंस की सेटिंग। तो कई बार हमारे सिस्टम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हम कौन सी सेटिंग एक्सेस करें। जस्ट आप गॉड मोड क्रिएट करके डायरेक्ट फोल्डर को एक्सेस करके कैटेगराइज्ड व्यू का यूज करके आप उस पर्टिकुलर सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है। कई बार हम कंट्रोल पैनल में ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं है, लेकिन इस सेटिंग की मदद से आपको काफी सारी चीजें एक साथ मिल जाती है। ठीक है, पावर ऑप्शंस रिलेटेड सेटिंग, प्रोग्राम एंड फीचर्स रिलेटेड सेटिंग, रीजन, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, इनफैक्ट ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड चीजें भी आपको मिल जाती है यहाँ पे, और आप अपने सिस्टम की ट्रबल शूटिंग कई बार खुद कर पाते हैं गॉड मोड का यूज करके। हालांकि ये सेटिंग सब आपके सिस्टम में अवेलेबल है, लेकिन कहाँ पर अवेलेबल है कई बार आप कंफ्यूज जाते हैं। इसकी मदद से आप डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं और इजिली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, खासतौर से विंडोज 11 और 10 के लिए, क्योंकि इस तरह की जो प्रॉब्लम है कई बार आती है कि हमें सेटिंग नहीं मिल पाती है, तो आप इन विंडोज में गॉड मोड का यूज कर सकते हैं। चलिए, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।